हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ जर्नी। और मैं आपका दोस्त अनिल, और मेरे साथ आज ये दोनों दोस्त हैं, ये रहा अनूप और ये रहा पीजूस। और हम लोग आज साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं एक लोकेशन पर, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और दिखाते हैं आप लोग को कहाँ कहाँ क्या क्या है और सब ब्लॉग में दिखाएंगे। हम लोग भी नए हैं, उस लोकेशन पर गए कभी गए नहीं, उस लोकेशन का आपको मतलब दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और अंत तक, तो दिखाएंगे कैसा है क्या है। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो लेट्स गो, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग अभी बीएसपी पे तेल डालने वाले हैं, तो तेल डाल के यहाँ से निकलेंगे। और हम लोग का एक दोस्त पहले ही पहुँच चुका है तेल डालने के लिए, तो अभी फ़िलहाल तेल डालेंगे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल डालने पर कुछ बोनस भी मिल रहा है साथ में। फिल एंड विन का प्रोसेस चल रहा है अभी, देख सकते हो यहाँ पे। और अभी हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से फ्यूल डालने के बाद, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग को निकलना था सुबह ही, लेकिन काफ़ी देर हो चुका है, अभी निकलते निकलते देर हो गया है यहाँ पे। तो वो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, हमको भी अंदाज़ा नहीं है कहाँ कितना दूर है। ये अभी हरियाली हरियाली पत्ते को देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, तो क्या मज़ा आया रास्ते पे, काफ़ी ग्रीन ग्रीन। गाड़ी घुस गया है, अभी अभी ये गाड़ी देखता है, उसको नींद लग गया इसलिए घुस गया। नींद में था इसलिए गाड़ी को घुसा दिया अंदर। और अभी हम लोग देवपानी मंदिर के काफी करीब है, हाँ। और अनु भाई यहाँ पे रुका हुआ है, और दीपानी मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसके अंदर ही दीपानी मंदिर मिलेगा आपको आगे जाके। भाई साहब देख सकते हो हाईवे में कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर, और ये देख सकते हो दुर्गा माता का भक्त, और ये साइकिल पे झंडे लगा के कहीं से आ रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, और भी है आगे, और भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं है, सब साइकिल पे। दुर्गा माँ का भक्त साइकिल पे झंडे लगा के बहुत सारे आ रहे हैं आगे से, और भी है कहीं से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो पता नहीं, पूछा नहीं कभी रुके। देख सकते हो यहीं से निकले ये लोग, दुर्गा माँ का भक्त सब सारे। Thank you.
इधर से राइट, यहाँ पे पुलिस वाले सब है और बाइक चेकिंग चल रहा है अभी फिलहाल का बाइक चेकिंग। देख सकते हो दोस्तों इतना रास्ता जो है ख़राब है, ऊबर खबर रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल। पूरा गांव का रास्ता, वो रास्ते का कुछ हाल ही नहीं है। देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ख़राब है रास्ता, रास्ते का भी कुछ ख़राब है। हम लोग इसी गांव के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। अभी काफी लोग यहाँ पे जा रहे हैं शायद मंदिर की ओर, तो काफी भीड़ भाड़ भी है यहाँ पे। मेले में काफ़ी लोग हैं अभी फ़िलहाल, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं फिलहाल अभी लोकेशन पर। भाई साहब आदमी काफ़ी सारा है फिलहाल, काफ़ी भीड़ है। देख सकते हो पार्किंग काफ़ी बड़ा है और हम लोग को इस तरफ जाना है बाइक के पार्किंग की ओर, बाइक इस तरफ रखा गया है। चलो दे दे, चलो इस तरफ रख, चलो चलो देखता है सामने रखना, ज़्यादा दूर नहीं, चलो चलो नहीं फिर दूसरा रखना से दिक्कत हो जाएगा ना, चलो सामने रखना, लेकिन चलो ना आगे ज्यादा अंदर मत डाल। तो अभी पीजीज भाई बाइक पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे और देख सकते हो काफी बड़ा पार्किंग है यहाँ पे, बाइक का सारा बाइक यहाँ पे जमा हुआ है अभी। और अनु भाई ये रहा। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अनु भाई भी काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी दूर आ गए अभी बाइक पे, टाइट हो गया भाई। तो अभी फाइनली लोकेशन पे हैं और देखते हैं अभी कहाँ क्या है, और मेले पे तो पहुंच चुके हैं अभी। अभी मेला बोली गए तो बुहाग मेला, बुहाग मेला और ये बुहाग मेला है ना, बुहाग मेला और यहाँ पे कॉलोनी में है एक्चुअली, चुकेला कॉलोनी में, और काफ़ी बड़ा ये मेला लगता है यहाँ पे। और देखते हैं कैसा है मेला, हम लोग भी पहली बार आए हैं यहाँ पे तो बुहाग मेला को देखने के लिए कल्याणी का। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। और देख सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्किंग है अभी फिलहाल, और सारा पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा है। बाइक इस तरफ है और कार का पार्किंग इस तरफ है, आप देख सकते हो। और हम लोग का दो बंदा आगे जा रहा है यहाँ पे। और इतना दूर आके कैसा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, एक्सपीरियंस थक गया होगा, थक गया होगा ना भाई, देखता है क्या क्या होता है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ये आया नहीं था, कभी आया नहीं था, फर्स्ट टाइम है ना, वही अभी देख रहा, थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम, हां पहले से नहीं था, बहुत डेवलप हुआ यहां पे है क्या, पहले से बहुत डेवलप हुआ, ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज नहीं था क्या।
और यहाँ पे कुछ नाश्ता दे रहा है मतलब और यहाँ का रहा किचन तो फ्रेंड्स देख सकते हो हम तीनों यहाँ पे हैं अभी फिलहाल और पीछे जो है थ्री इडियट्स नहीं बोल सकते हम लोग लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और नीचे देख सकते हो नदी पे जो है पानी उठा रहा है अभी फिलहाल और ये जो पानी उठा रहा है मतलब ये पूजा करने के लिए है और ये वाला पानी नहलाने के लिए है जो पानी है सारे पानी लेके आ रहे हैं अभी गौतम बुद्ध का नहाने के लिए और इस फेस्टिवल का नाम एक्चुअली वाटर फेस्टिवल भी कहते हैं हम लोग और इसी नाम से हम लोग जानते हैं फिलहाल वाटर फेस्टिवल के नाम से ओरिजिनली क्या है पता नहीं है मुझे लेकिन फिलहाल हम लोग वाटर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं इस फेस्टिवल को और ये जो फेस्टिवल है स्पेशली बौद्ध धर्म के और श्याम लोग जो हैं उन लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं और उन लोग का ही है फेस्टिवल और हम लोग फेस्टिवल में हम लोग जस्ट शामिल होने के लिए आए हैं जो श्याम जाती है उन लोग के लिए मतलब उन लोग का खास फेस्टिवल है उन लोग का और देख सकते हो सारे पानी लेके आने में फिलहाल और गौतम बुद्ध को नहलाया जाएगा वहाँ पे ये लोग ले जाके हेलो फिलहाल हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं अंदर तो मारो फोटो से और ये देख सकते हैं हेलमेट बाबा अनु भाई अभी हेलमेट बाबा ये हेलमेट बेचने के लिए निकला हुआ है क्या हाँ बेचने के लिए निकला हुआ है क्या और है 1800 का हाँ सस्ता में दे देगा कितने में दे रहा है भाई 500 1000 में दे रहा है हेलमेट ले लो भाई किसी को लेना है तो बोल दो वीडियो में Thank you.
शायद गुरु जी का फोटो होगा यहाँ पे, और कौन गुरु जी पता नहीं है, तो भाषा में लिखा हुआ है क्या है, उन लोग का बालमीस भाषा है या श्याम भाषा में लिखा गया, पता नहीं क्या भाषा में है, लेकिन तो गुरु जी है शायद मेरे ख्याल से, गुरु जी का नाम जन्म। काफ़ी सारे गुरु जी का नाम दिया गया है यहाँ पे फोटो के साथ। ये मंदिर को पूरे चारों तरफ पानी से नहलाते हुए आदमी लोग, भक्त लोग, बौद्ध धर्म के भक्त लोग जो हैं नदी से पानी लाएंगे और यहाँ पे इस तरह नहला के उन लोगों को प्रार्थना करते हैं। सारे लोग यही करते हैं यहाँ पे। देख सकते हो बौद्ध जी को नहलाते हुए भक्त लोग। ये सब सारे सच्चे भक्त बौद्ध जी के जो मूर्ति को नहलाते हुए। और अनु भाई भी डोनेशन कुछ दे रहा है अभी फिलहाल, मैंने तो दे दिया है। सारे लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं अभी। ये लोग जो है यहाँ से पानी उठा के इसी को धोने के लिए ले जा रहे हैं फिलहाल, और देख सकते हो पानी को ऊपर को यहाँ पे पानी डालना होता है और पानी को यहाँ से डालना होता है और वहाँ जाता है पानी सारा भगवान के ऊपर, तो वही पानी वो लोग यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। बहुत सारे यहाँ पे यहीं बाहर पूजा करते हुए पूजा कर रहे हैं अभी फिलहाल, अगरबत्ती वगैरह देने में। देख सकते हो बौद्ध भगवान को इस तरह नहलाते हुए फिलहाल।
फिलहाल मैंने पूजा वूजा कर लिया है और निकलते हैं आगे के लिए और देखते हैं कैसा है क्या है। तो प्लीज़ सब लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल का सब्सक्राइब और शेयर जो भी कर देना। और देखते हैं अभी पीजी जो है पूरा हेलमेट का गुच्छा लेके घूम रहा है साथ में, ये देख सकते हो पीजी जो है सेकंड हैंड हेलमेट लेके घूम रहा है अभी फिलहाल। उपाय नहीं है अभी, उपाय नहीं है। ये देखो, ये लोग देखो कौन है भाई, कहाँ से है? बोरहुला से आया। बोरहुला से आया? हाँ, शमगांव। कहाँ पे ये किधर है? है नहीं क्या? अच्छा अच्छा ध्यान से पता ना करें अभी फिलहाल। और इसी तरह ट्रेडिशनल तरीके से मंदिर को नहलाते हुए पानी से देख सकते हो सारे खुद भी नहा लिए और मंदिर को भी नहा ला रहे हैं इसी पानी से। और यहाँ पर भी है गौतम बुद्ध आराम से सो रहे हैं, गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं और गौतम बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। काफ़ी भक्त लोग हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो काफ़ी सारे लोग अभी भी पूजा कर रहे हैं। और ये मेला जो है साल में एक ही बार होता है यहाँ पर, इसीलिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर फिलहाल। तो ये काला किस लिए अभी पता चला है, ये तेल से नहा दिया जाता है इसको इसलिए काला है। अगर ये इसको घर लेके जाना शायद किस काम से पता नहीं। ये बोलते तो लोग ऐसे कि मैं काम आए नहीं गए। और ये तो अपना एक किधर करे, ये जो ये घास आ बीक फेंकने आते हैं मैंने यूज़ करा। और गाँव भी कोले तो लोकल की भाल होए नहीं गए। ये तो बिलीव करा जाए। और बिलीव करा जाए ना? टावेज मैंने ऐसे मिक्सचर को बुद्धिज्म एंड टावेज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तेल जो है शरीर को दर्द होने से ये तेल लगाने के बाद कुछ हम लोग को बिलीव की वजह से ठीक भी हो जाता है इसको, इसलिए लेके जा रहे हैं, इसलिए ये तेल को लेके जा रहे हैं। तो यही वजह है ये तेल को कलेक्ट करने का।
किस तरह भेजाना अभी फिलहाल देख सकते हो खोरा खोरा एक ना भाले तो फ्रेंड्स अभी मैंने शू वगैरह लगा लिया है तो अभी निकलते हैं और मंदिर से हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं। तो मंदिर का दौरा सब सारा हो गया, पूजा वूजा कर लिया मैंने, तो देखते हैं आगे का कैसा है क्या है व्यू और दिखाते हैं। आदमी अभी भी काफ़ी सारे हैं तो दिखाते हैं। अभी पूरा मेला हम लोग घूमा नहीं है तो मेले में घूमेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं अभी आगे वाला पार्ट, तो मेले में क्या है क्या नहीं है अभी दिखाएंगे। और देख सकते हो भाई मेले में काफ़ी भीड़ है, अब बहुत सारा आदमी बस गर्मी में सारा मेले में आदमी अभी भी है बहुत सारा है। ऐसी भीड़ से निकलते हुए हम लोग मेले में जाएंगे अभी फिलहाल। ओ ये फूल यहाँ पे मिलता है, मेरे को पता नहीं था अभी ये फूल लेके जाना था वहाँ पे। हाँ हाय भाल कैसे लगी से मेला तो बहुत भाल लगी से बहुत भाल गोपाय आमी आही जाबो है नी आ गोपाय थे ना भाल लगी से ना तो बहुत भाल लगी से बहुत भाल लगी से फर्स्ट टाइम आई से मयो दे कौन उलिया दिबो आगो के ओके क्या ले रहे हो भाई? ओ भाई साहब क्या लेने वाले? कुछ भूख लगा है, कुछ खाना उना हो गया तो घुस जाओ यहाँ पे। रोटी है पोटा, चलो यहाँ पे पोटा खा लेते हैं। ये रहा परोठा, अभी ये 30 रुपए का एक पोटा यहाँ पे काफी महंगा है। और पोटे के साथ हमें ये सब्जी मिल रहा है अभी फिलहाल। हेलो भाई का ये रहा सब्जी, कैसा है सब्जी? सब्जी मस्त है। और लेना है क्या? मंगा दू काफी है टेस्ट है ना? ओ
क्या बोले थे बोल दो नहीं हो गया नहीं और ये आइसक्रीम ले लिया है मैंने और तेजस भाई ने अभी आइसक्रीम लिया है तीनों के लिए। चलो आइसक्रीम खाते हुए निकलेंगे इधर से। आइसक्रीम खा के ना क्या है ये ब्लैक है चेहरे के साथ में मैच हो रहा है तो हाँ मैच हो रहा है आइसक्रीम खाना चोको आइसक्रीम खाइए चेहरे पे ग्लो लाइए ठीक है। और अनु भाई पैसे वो तो गोरा है और इसमें क्या गोरा करेंगे चोको बोल के धोखा दे दिया हम लोगों को है नहीं क्या ऊपर में चोको है ऊपर में चोको है लेकिन अंदर में चोको नहीं है अंदर में नहीं है ना देखिए आप लोग धोखेबाज हो गया ये तो धोखा हो गया सीधा अंदर में 2 रुपए वाला है ऊपर में चोको है। अच्छा अच्छा ये तो धोखा हो गया नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने पूरा मेला वाला घूम लिया है तीनों ने और अभी घर के लिए निकल रहे हैं और अनुप भाई जो है अभी हेलमेट लगा रहे हैं और घर के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और हम लोग अभी निकल रहे हैं और हम लोग के चारों ओर देख सकते हो अभी भी काफ़ी सारा बाइक है ये के चारों ओर अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं पर हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए। देख सकते हो चारों ओर बाइक की बाइक काफ़ी दूर दूर तक है वो चाय बगान के अंदर भी बाइक है देख सकते हो इस तरह भी पार्किंग पूरा किया गया है पर हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से।